10 राइड पे हमें बताया गया था 900 रुपए और 13 राइड पे बताया गया था 1400 रुपए। ओहो ओ भाई, क्या क्या पिकअप है यार, क्या पिकअप है भाई, क्या पिकअप है। ओहो 55 और भाई गजब गजब भाई, स्कूटी तो मस्त है। देखो जो भी कहूँ, 12 तारीख को लेकर आया हूँ, 13 तारीख को मैंने काम कराया, फिर मुझे 2 दिन हुए थे काम करे हुए, इंसेंटिव प्लान वही चल रहा था। अब जैसे ही तीसरा दिन होता है, जब मैंने 13 राइड मार चुका हूँ, शाम को इसका इंसेंटिव आता है, 10 राइड में मुझे 80 रुपए दिखा रहा है, जो मुझे इंसेंटिव पहले मिलता था कि 10 राइड करने पर 900 रुपए दिए जाते थे। तो भाई मैं ले आया हूँ ओला की स्कूटी सिर्फ 5000 रुपए देके, क्योंकि ओला में हो रही है धाकर कमाई। ओला अपने राइडर्स को 3000 रुपए का इंसेंटिव दे रहा है, वो सॉरी भाई दे नहीं रहा है, दे रहा था, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हुआ है, ओला ने बहुत बड़ा धोखा किया है अपने राइडर्स के साथ और इंसेंटिव प्लान पूरा चेंज कर दिया है, जिससे परेशान होके हमारे जो ये स्कूटी लाए हैं हमारे भाई, वो बुलाए हैं और कह रहे भैया इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, उनका जो भी दुख दर्द है आप सभी को बताऊंगा, ताकि आप सभी को भी पता चल सके स्कूटी लेने के बाद उनको क्या लग रहा है कि भाई प्लान चेंज होगा या फिर नहीं होगा, और जो नया प्लान आया है वो कैसा है और कितना इंसेंटिव दे रहा है और पहले कितना दे रहा था, सारा चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाइयों यहाँ देख सकते हो दो स्कूटी है, यहाँ पर एक रेड कलर में है और एक ये है, ठीक है, कौन सा कलर है भाई पता नहीं है, दोनों ही ब्रांड न्यू है पूरा, और ये हाल फिलहाल में ही लिया है भाई ने। भैया क्या नाम है आपका? मेरा भैया नाम पंकज है। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है भैया। मेरे साथ एक्चुअली परेशानी ये है कि इंसेंटिव प्लान चेंज कर दिया गया है। अच्छा। कि जो हमें बोला गया था या जो हमें दिखाया गया था जब मैंने स्कूटी बुक कराई थी, ये कि 5000 रुपए आपको देने हैं और स्कूटी बुक करानी है, और स्कूटी बुक करा के हमें स्कूटी देने के बाद जो हमें इंसेंटिव प्लान देना गया था वो 10 राइड पे हमें बताया गया था 900 रुपए और 13 राइड पे बताया गया था 1400 रुपए और 22 राइड अगर आप कर लेते हैं, 22 राइड करने पर आपको 3000 रुपए मिल जाएंगे। ये इंसेंटिव हमें प्लान बताया गया था जहाँ से हमने बुक कराई थी। अब बुक कराने के बाद जब मेरे हाथ में स्कूटी आती है, 10 दिन में स्कूटी मेरे को मिलती है। बुक मैंने कराया था 2 तारीख को। अच्छा। और मेरे हाथ में स्कूटी मिली गई है 12 तारीख को, जिसे मैं द्वारका से वेयर हाउस से लेकर आया हूँ। अच्छा। अब जैसे ही मैं 12 तारीख को लेकर आया हूँ, 13 तारीख को मैंने काम कराया, फिर मुझे 2 दिन हुए थे काम करे हुए, इंसेंटिव प्लान वही चल रहा था। अब जैसे ही तीसरा दिन होता है, जब मैंने 13 राइड मार चुका हूँ, शाम को इसका इंसेंटिव आता है 8 बजे, शाम को 7-8 बजे, जैसे ही मैंने इंसेंटिव की साइड देखा तो देखते ही मैं क्या देखता हूँ उसमें कि 10 राइड में मुझे 80 रुपए दिखा रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जो मुझे इंसेंटिव पहले मिलता था कि 10 राइड करने पर 900 रुपए दिए जाते थे। तो आपको कभी मिला है 10 राइड पे 900 रुपए इंसेंटिव? 10 राइड पे एक दिन पहले भी मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं, जब मैंने 18 राइड तक भी करी है, मुझे 1800 रुपए आया है, जिसका 2200 रुपए आप इंसेंटिव बनता है TDS वगैरह काट के और 18% चार्जेस वगैरह काट के 1800-1900 रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं। अच्छा, तो जो पहले बोला गया था कि 18 राइड पे आपको इतने पैसे मिलेंगे, उतने आपको मिला पहले दिन? मिला मुझे 2 दिन तक मेरे अकाउंट में आए। तीसरा दिन जैसे ही होता है, मैं अपना स्कूटी लेके निकलता हूँ, इसमें इंसेंटिव मॉर्निंग में शो नहीं करता है, ये शाम को इंसेंटिव दिखाता है 6 बजे 7 बजे या 8 बजे। हाँ, 7-8 बजे के 7-8 बजे के आसपास दिखाता है, जब तक मेरी 13 राइड हो चुकी थी। 13 राइड जैसे ही हो गई, मैं इंसेंटिव की साइड देखता हूँ तो उसमें देखने को मुझे क्या दिखाई देता है कि 10 राइड करने पर आपको 80 रुपए मिलेंगे और 14 राइड करने पर 125 रुपए मिलेंगे। आप ये बताइए, ये कहाँ की इंसाफी है, जो मुझे स्कूटी दी गई है, मुझे 2 दिन अभी हुए हैं और 2 दिन होते ही अब मैं कैसे अपना घर चलाऊंगा, क्या करूंगा, आप ये बताइए। अगर मैं 80 रुपए के लिए इस स्कूटी को लेके निकलता हूँ, 80 रुपए इंसेंटिव के लिए कोई भी ऑर्डर मारता हूँ, 20 रुपए 25 रुपए 50 रुपए का किलोमीटर का, तो मैं 400-500 रुपए अगर इसका कमाता हूँ, जिसमें स्कूटी लेके भी आया हूँ मैं, जिस पर्पस के लिए मैंने इस स्कूटी को लिया गया है, तो वो मैं कमा ही नहीं पाऊंगा 1000-1500 रुपए, तो फिर मेरे लिए बेकार है ये। जिसमें मुझे जो मैं पहले अगर पोर्टर में करता था 1000 रुपए तक मैं कमा लेता था। हमने राइडरों को देखा कि कुछ राइडर हमें ओला में दिखाई दिए, जो जिन्होंने हमें बताया कि 3000 रुपए इंसेंटिव तक 22 राइड हम करते हैं, जो
2600-2700 रुपए उनके अकाउंट में TDS वगैरह काट के आता है। अच्छा, किसने बताया आपको? ये राइडरों ने बताया गया है हमें, और उन्होंने दिखाया भी है अपने फोन में, हमें अकाउंट में भी दिखाया गया। अच्छा, तो ये इंसेंटिव प्लान कब चेंज हुआ, कौन से तारीख को चेंज हुआ? ये इंसेंटिव प्लान चेंज हो चुका है, आज 17 तारीख है, ये 15 तारीख को जो मैंने 13 राइड मारी है, तो जैसे इंसेंटिव देखा है 15 तारीख को 7-8 बजे के आसपास इंसेंटिव चेंज हो चुका था, शुक्रवार था, और हमें शनिवार को इसके अमाउंट आना था। अमाउंट मेरे पास 135 रुपये आया है, जिसमें सिर्फ 80 रुपये मुझे 10 राइडों के दिए गए हैं। आप ये बताइए 80 रुपये में क्या होगा? 80 रुपये का कोई इंसेंटिव होता है किसी ओला में या किसी ऊबर में? अच्छा, पहले पोर्टर चलाते थे? पहले मैं पोर्टर चलाता था, उसमें 1000-1200 रुपये मैं कमाता था अपने बाइक से। हाँ, अपनी बाइक से मैं करता था, 200 रुपये का मेरा तेल लगता था, 1000 रुपये या 1200 रुपये कमाता था, तो 800-900 रुपये मेरे बच जाते थे। अब जो मेरे 10-12 और राइडर भाई हैं, मुझे देखकर वो स्कूटी बुक करा के आ चुके हैं, कोई 4 तारीख को, कोई 5 तारीख को, उनकी भी ही कल परसों 2-3 दिनों में स्कूटी मिल चुकी है। कोई कोई ऐसे राइडर होते हैं जिसके पास 5000 रुपये भी नहीं होते हैं, और वो बेचारा राइडर कहीं से करके वो 5000 रुपये पहले अरेंज करता है, फिर ओला में जाके उसका स्कूटी बुक कराता है, उस बुक कराने के बाद वो स्कूटी लेकर आता है, वो ये सोच के जाता है कि मैं कुछ इनकम करूंगा, कि जिसमें मेरी कमाई हो गई अच्छी, कि मैं अपना घर बार चला पाऊंगा। अच्छा, तो आपने बोला नहीं जहाँ से आप स्कूटी लेके आए हो, या फिर जो आपको स्कूटी दिलाया है, जो ओला का TL वगैरह या फिर जो भी लीडर है, तो उनने आपने उसे बोला नहीं कि भाई ये हमारे स्कूटी लेते इंसेंटिव प्लान चेंज हो गया? जहाँ से ये बुक कराई है, हम उसके पास गए हैं, उन्होंने ये बोला है कि आगे से हैंड से ये वहां से हुआ है, जो ओला का मैन हैंड है वहां से आगे से हुआ है, ये सबके साथ हुआ है, कि किसी एक या दो बंदों के साथ नहीं हुआ है। जो मेरे 10 राइडर भाई थे वो 10 स्कूटियां यहाँ पर लेके आ चुके हैं, हम सेक्टर 3 M2 के पर खड़े हैं, 10 राइडर है, मैं 10 राइडरों के आपको नाम बता चुका हूँ, जो कल से इतने उदास हैं, जो हताश हैं कि हम कैसे अब करेंगे। कल मैंने काम नहीं करा, ओला में एक राइड नहीं मार चुका, अगर मैं राइड मारता हूँ, आप ये बताइए 10 राइड में करने पर, 10 राइड की मेहनत में करता हूँ, तो मुझे सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं, आप ये बताइए। अच्छा, तो आप तो इसके साथ फिर कुछ और जैसे पोर्टर उबर तो चला ही नहीं सकते फिर, या चला सकते हो? सर, हम कुछ नहीं चला सकते, ओला वालों ने सिर्फ ये कहा है हम आपको ये स्कूटी देते हैं तो ओला में ही आपको चलानी है, किसी अदर कंपनी में किसी में भी यूज नहीं कर सकते। मतलब ओला के अलावा और किसी में कर ही नहीं सकते, चाहे जो भी राइड आए आपको कम्प्लीट करना ही करना है। और ये बताओ कि इसका जो रेंट है वो क्या ले रहे हैं अभी रेंट, या फिर आगे चल के लेंगे? जो नया इंसेंटिव प्लान आया उसमें क्या रेंट भी दिया गया कि भाई इतने कम राइड, आप इससे कम राइड अगर आप करोगे तो आपका रेंट लगेगा? अभी तक हमें जो बताया गया है, ये बताया गया है कि इसका रेंट अभी नहीं लग रहा है, रेंट नहीं लग रहा है, और आने वाले टाइम में इसका जो मुझे सुनाया गया है, बताया गया है कि 200 रुपये रेंट इसका दिया जाएगा। 200 रुपये, अगर हम 200 रुपये रेंट देने के लिए भी तैयार हैं, हम नहीं चाहते कि हम 5000 रुपये, अगर 1.25 लाख रुपये की ये स्कूटी है कि उसको हमें 5000 रुपये में दे दी गई है, हम ये भी समझते हैं किसी का पैसा इसमें लगा हुआ है, हम उसको रेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर वो करना चाहते ओला वाले, इसका 200 रेंट चालू करते पर डे का, हम 200 रुपीज इसका दे सकते थे। अब 200 ना लगाकर उन्होंने इंसेंटिव प्लान ऐसा कर दिया है जो 80 रुपीज सिर्फ 10 राइड करने पर है। आप ये बताइए 10 राइड करने पर मुझे 80 रुपये में मैं क्या कमाऊंगा, क्या मैं अपने घर लेके जाऊंगा? सबसे बड़ा इंसेंटिव कितना है, कितना दे रहे, कितने राइड पे? सबसे बड़ा जो इंसेंटिव है इसमें, पहले जो था 22 राइड पे 3000 रुपए का इंसेंटिव था, और अब जो इंसेंटिव है मेरे हिसाब से इसमें इंसेंटिव 250-300 रुपए का इंसेंटिव है। तो भाई अभी ये पुराना वाला इंसेंटिव और नया इंसेंटिव दोनों मैं आप सभी को दिखा देता हूँ इनके मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके। तो भैया इंसेंटिव दिखाना एक बार जो पहले चल रहा था। भैया ये देखिए, ये मेरे मोबाइल है, इसमें तो भाई मोबाइल पे आप सभी को दिखाता हूँ स्क्रीन पे, तो यहाँ आप देख सकते हो ये इंसेंटिव जो है 10 बुकिंग पे आपको 900 रुपये इंसेंटिव दे रहा था ओला पहले 10 बुकिंग पे, ठीक है। उसके बाद 13 बुकिंग पे 1400 रुपये दे रहा था, फिर 16 बुकिंग पे 1800 रुपये दे रहा था, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया इंसेंटिव था। 19 बुकिंग पे आपको 2200 रुपये टोटल दे रहा था इंसेंटिव, और 22 राइड अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको 3000 रुपये टोटल इंसेंटिव दे रहा था, और ये लास्ट है, यानी इंसेंटिव भाई 900 से शुरू होता था और 3000 तक जाता था इंसेंटिव। अगर आपने 10 राइड भी कंप्लीट किया है तो आपको 900 रुपये इंसेंटिव
मिलेगा, और अगर आपने 22 राइड कंप्लीट किया है तो आपको 3000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लास्ट में लगा दूंगा जो राइडर्स अर्निंग कर रहे हैं भाई, 3000 एक दिन के और हफ्ते के 14-15 हजार रुपए भी कमाए हैं। तो भैया अब आपका स्क्रीन वो दिखाना इंसेंटिव जो अब इसने चेंज किया है ओला ने, ये देखिए अब क्या इंसेंटिव दे रहा है, कितने बुकिंग पे कितना इंसेंटिव दे रहा है, कितना रुपए मिल रहा है। ये 15 तारीख का है, ये 15 तारीख का है, 16 तारीख को अब ये इंसेंटिव हो चुका है। भाई देखो 16 तारीख का ये इंसेंटिव है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 10 राइड पे जहाँ पर 900 रुपए था ठीक है, अब उसको चेंज कर दिया है भाई 80 रुपए कर दिया है सिर्फ। देखो आप लाइव देख सकते हो, 10 बुकिंग पे 80 रुपए, 14 बुकिंग पे 125 रुपए दे रहा है, 18 बुकिंग पे 200 रुपए और 22 बुकिंग पे 275 रुपए, जबकि 22 बुकिंग पे 3000 रुपए इंसेंटिव था। और ये 275 आपको पूरे नहीं मिलेंगे भाई, इसमें से 20% कमीशन कटेगा, 20% कमीशन इसमें से कट के और आपको करीब 40-50-55 के आसपास कटेगा, और आपको 220 रुपए के आसपास 22 बुकिंग करने पर इंसेंटिव आपको मिलेगा। और ये चल रहा है भाई अभी का इंसेंटिव जो चेंज हुआ है, और 17 तारीख का दिखा दूं तो यहाँ पर अभी कोई भी इंसेंटिव शो नहीं कर रहा है 17 तारीख की डेट में, जबकि आज 17 तारीख है और आज का कोई भी इंसेंटिव यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो अब क्या करोगे आप, ये ओला का जो स्कूटी है आप इसे चलाओगे या फिर आप अपना पर्सनल, आपके पास तो बाइक है ही ना, आप पोर्टर में काम करते थे तो बाइक है ही आपके पास। पर्सनल मेरे पास अपनी बाइक है जो पेट्रोल वाली है, उसमें हमें ये बेनिफिट है हम उसको दिल्ली और NCR में कहीं पर भी काम कर सकते हैं, जिसमें हम कहीं पर भी उसको लेके जा सकते हैं, किसी भी कंपनी में चला सकते हैं, जिसमें चला सकते हैं, जिसमें कोई हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें ये बाउंडेशन भी है कि इसको ओला में ही चलाना है, और दूसरा इसकी जो रेंज है वो रेंज कंपनी हमें बताती है कि 100 किलोमीटर चलेगी कि 100 किलोमीटर, और जब हमने इसको यूज करा है, यूज करने पर ये सिर्फ 70 किलोमीटर चलती है, 70-75 किलोमीटर चलती है, जिसमें 20 किलोमीटर हमें रखना पड़ता है चार्जिंग पॉइंट के जाने के आसपास तक के लिए, तो वो चार्जिंग पॉइंट तक जाने के लिए 20% बैटरी रखना पड़ता है। तो मिनिमम हमें ये आप 50 या 60 किलोमीटर मिलते हैं, आप ये बताइए 50-60 किलोमीटर हमारे सिर्फ 4 या 5 घंटे के अंदर खत्म हो जाते हैं जो राइडर भाई रोके। अच्छा, तो कितने देर लगते हैं इसको फुल चार्ज होने में, आपने घर पे चार्ज किया होगा? घर में मैंने इसको चार्ज करा है तो 4 से 4.5 घंटे इसको 100% आने में लगते हैं, और जो इसके चार्जेस लगे हुए हैं जैसे सेक्टर 16 में या NSP में लगे हुए हैं इसके आसपास, तो हमने वहां पर भी इसको चार्ज किया है, वहां पर चार्ज करने पे इसका 1-1.5 घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है। देखो गलत तो हुआ है एक तरीके से, जो भी ओला लिए हैं, ओला की स्कूटी लिए हैं जो भी राइडर्स भाई ने, उन सभी के साथ तो एक तरीके से मतलब समझ लो कि धोखा हुआ है, उनको बताया नहीं गया पहले कि भाई हम इस दिन से इंसेंटिव प्लान अपना चेंज कर रहे हैं और इस दिन से आपको ये इंसेंटिव देखने को मिलेगा। तो कुछ भी कंपनी के तरफ से यहाँ पर नहीं बताया गया, जो भी राइडर्स बुक करा रखे थे स्कूटी या फिर बुक करने जा रहे थे उनको कुछ भी डिटेल नहीं बताया गया कि हम किस दिन से कौन सा इंसेंटिव प्लान ला रहे हैं या फिर इंसेंटिव चेंज कर रहे हैं। तो भाई यही है, 2 स्कूटी अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बहुत यहाँ के राइडर्स हैं जो पोर्टर में, स्विगी में, जोमेटो में, जिसमें भी काम करते थे, इंसेंटिव प्लान्स सुन करके जब उनको पता चला कि 3000 रुपए इंसेंटिव दे रहा है ओला और स्कूटी भी दे रहा है, तो सभी सुन के और भाई भाग पड़े ओला के पीछे, और सब भाई अब वही है पछता रहे हैं कि भाई हमने ओला ले लिया, अब इसमें कुछ भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। तो भाई ये रही ओला, और इसका मैं एक राइड लेके आता हूँ कि भाई कैसा है चलाने में। ओ लो भाई, पहली बार ओला चला रहे हैं, स्टैंड लगा दिया, कैसे होगा, हो गया चालू, ब्रेक मारना, अरे वाह भाई लग तो बढ़िया रहा। अब देखते हैं, एक राउंड मार के देखते हैं भाई कैसा चल रहा है, ब्रेक छोड़ने के बाद ही आगे जाता है। ब्रेक छोड़ के धीरे-धीरे आगे। अच्छा चलो भाई, एक राउंड लगा के आते हैं और देखते हैं कैसा चल रहा है। भाई चल तो मस्त रहा यार, ब्रेक व्रेक सारा अच्छा। इसमें भी वो सिस्टम है भाई कि अगर तुमने ब्रेक लगा दिया है तो स्कूटी आगे नहीं बढ़ेगी। ओ भाई हवा का तो पता ही नहीं चल रहा, 40 स्पीड, ओहो ओ भाई क्या पिकअप है, कितना स्पीड, 32, 48, 47, ओहो 55, और भाई गजब गजब भाई, स्कूटी तो मस्त है, देखो जो भी कहूँ
ब्रेक वगैरह के मामले में, चलने के मामले में, पिकअप के मामले में स्कूटी तो बढ़िया लगी। अब यहाँ से लेते हैं एक बार, वो तो स्कूटी वो वाली चलाने की आदत थी, जिप वाली बिल्कुल उसी के तरह है। इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने हैंडल कितना ऊपर पकड़ लिया है, बाइक का आदत हो गया है ना, बाइक का हैंडल थोड़ा सा नीचे है ना। कंफर्ट तो है भाई, देखो ब्रेक वगैरह सारा चीज़ बढ़िया ही चल रहा है। और पहली बार चला रहा हूँ मैं ये ओला का स्कूटी। देखो कैमरे में, पता नहीं कैमरा मैंने सही से सेट किया नहीं है, पता नहीं इसमें कैसा व्यू आ रहा है। और लो भाई ये एकदम से स्पीड पकड़ लेता भाई, कंट्रोल भी क्या बढ़िया है यार। और एक ये खड़ा है स्कूटी, देखो स्टैंड लगाते लॉक, देखो भाई स्टैंड लगाया, पार्किंग में चली गई। कितना चलाया, 600 मीटर चलाया, हो गई भाई पार्किंग में। देखो अब ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा ये पूरा। तो भाई लास्ट में यही अब मैं बोलूंगा कि जो भी लेना चाह रहा है वो पहले रेंटल प्लान या फिर जो भी इंसेंटिव प्लान है वो एक बार देख लो, उसके बाद ही आप डिसाइड करना आपको लेना है या फिर नहीं लेना है। और जिसने भी लिया हुआ है उसको क्या लग रहा है भाई, कमेंट करके बताओ अर्निंग होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि कोई भी अगर लेगा 5,000 रुपये दे के स्कूटी, और वो भी सिर्फ एक ही कंपनी में चलाने के लिए, तो कमाई तो होना चाहिए। क्योंकि अगर कमाई ही नहीं रहेगा तो फिर वो बंदा लेके क्या करेगा। तो अपनी राय भाई कमेंट में ज़रूर देना। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।